घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। बरसात न होगी, बिन बारिश बरसात न होगी। रात गई अब रात न होगी, बिन बारिश बरसात न होगी, बिन बारिश बरसात न होगी। ये गज़ल ग़ुलाम अली साहब की, जो मैंने अभी एक उसका मतला आपके सभी के सामने गाया, उसमें नोट करने वाली बात ये थी। अक्सर मैंने बताया है जब कंपोजिशन हम करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो क्या होता है कि कोई सवाल करता है कि यार कंपोजिशन कैसे करते हैं या धुन कैसे बनाते हैं, तो उसका कोई एक जवाब नहीं है और कोई एक तरीक़ा नहीं है कि मैंने बता दिया ऐसे करते हैं तो वैसे ही करते हैं, सभी कुछ नहीं है। पर कंपोजिशन करना तजर्बे से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, और धीरे 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 कुछ कुछ चीज़ें हमें मालूम चलती हैं। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब, इस लफ्ज़ का अर्थ ही यही है कि अलग अलग चीज़ों को मिलाना, उसको कंपोज करना कहते हैं, कंपोजिशन करना। पेंटिंग में भी हम करते हैं अगर कंपोजिशन बनाते हैं, या हम गीत में भी, संगीत में भी हमारा कंपोजिशन करते हैं, तो यही अर्थ होता है उसका कि संजोना, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ का निर्माण करना, उसे कंपोजिशन करना कहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपोजिशन में ख्याल रखनी पड़ती हैं, तो उस पर पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं कई बार, और आज भी उसी से रिलेटेड एक अलग नज़रिए से उसको देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कंपोजिशन करने में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होते हैं शब्द, है ना। शब्द के अनुसार ही धुन बनाई जाती है, कोई सी भी धुन हो, है ना। हम यही तरीका है हमारा धुन बनाने का कि जैसे शब्द हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं अनुसार धुन बनाएँ, तभी वो कारगर साबित होती है। अब शब्द आ जाते हैं तो शब्द से भाव आ जाते हैं कि कैसे भाव हैं उस शब्द के, तो उस अनुसार उसकी धुन बनती है। फिर कई चीज़ें होती हैं जो मैं पहले भी शायद मैंने म्यूज़िक थ्योरी करके जो प्लेलिस्ट बनाई उसमें समझाई है। जैसे एक चीज़ मैंने समझाई है काकू प्रयोग, एक चीज़ मैंने समझाई है तिरोभाव आविर्भाव, है ना। तो आज हम उस चीज़ को देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होता है और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। काकू प्रयोग, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, कि जब शब्द, जो शब्द का नेचर है, जो शब्द जो कहना चाह रहा है, उन शब्दों को आप गीत से बोल देते हो, ऐसा लगता है कि वो शब्द आप बोल रहे हो। जैसे हम बातचीत करते हैं तब जिस शब्द को जिस लहजे में हम बोलते हैं उसी लहजे में जब वो गाने में भी आ जाए उसको काकू प्रयोग कहते हैं, है ना। कि अगर आपने बात करी है कूदने की, शब्द है कूदना, या कूदने से रिलेटेड शब्द है, या टपकना से रिलेटेड है, जैसे बारिश है, बारिश की बूंद जो है टपकने की बात कही गई है, या फिर इंतज़ार की बात की है तो इंतज़ार में एक धीमी चीज़ आएगी, या खींचने की बात की गई है, यानी अगर आप तीर को कमान से खींचेंगे तो कैसा उसमें दृश्य बनता है, वो शब्द कैसा सीन आपके सामने बनाता है, उस शब्द के सीन को अगर आप कंपोजिशन से, धुनों से, स्वर संगतियों से दर्शा देते हो तो उसको काकू प्रयोग कहते हैं, है ना। यानी शब्दों की संगति से जो दृश्य बनता है उसी दृश्य को स्वरों की संगति से बना देना, इसको काकू प्रयोग कहेंगे साफ भाषा में। तो इसका अगर छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दूं, मैं पहले भी आपको मैंने कई बार एग्जांपल दिए हैं, मेरी ही एक गज़ल लेता हूं मैं, कैसे घिस कर पहुंचे मंजिल,
पहुंच गए उनसे पूछो। यह गज़ल है, पिताजी की लिखी हुई है और इसकी धुन मेरी बनाई हुई है। तो इसमें अब आप देखोगे जो शब्द हैं, मैं अगर आपको बताऊं, जितना पीछे खींचे गए उतना ही आगे वो बढ़े, है ना। अब इसमें जितने पीछे खींचे गए ये शब्द हैं, तो अब इसमें पीछे खींचना अगर दिखाना है तो मुझे खींचना मीर से मैं दर्शा सकता हूं, जितने पीछे खींचे गए खींचे, है ना, ये मैंने खींचना दिखाया। ऐसे आप उसमें खूबसूरती लगा लगा के आप दिखा सकते हो, जितने पीछे, है ना, ये पीछे पीछे दिखाया, खींचे जितने पीछे, है ना। और वैसे ही अभी एक जो हाफिज साहब की गजल, तहजीब हाफिज साहब की गजल मैंने बनाई थी तेरा चुप रहना, उसमें जो चुप्पी है वो दिखाई। तेरा चुप रहना मेरे जहन, तेरा चुप, है ना, वहां पे चुप्पी है, हल्का सा पॉज है एक सेकंड का, लाइन नहीं टूटी है पर हाँ, तेरा चुप रहना, तो वो चुप्पी दिखाई, है ना। ऐसा आपने गुलाम अली खान साहब की गजलों में भी कई बार देखा होगा, और भी कई गुलकार हैं, कई गजल गायक हैं, कई गीत गायक हैं जिन्होंने भी ये चीज़ें दिखाई हैं। तो इसको तो कहेंगे हम काकू प्रयोग, कि आपने उस शब्द के अनुसार उसका नेचर उसमें दिखा दिया, है ना। अब जैसे मैंने वो गजल गाई थी वसीम साहब की, उसका एक शेर था, खुश्क मिट्टी ही ने जब पांव जमाने न दिए बहते दरिया से, ये बहना दिखाया, है ना, कि ये बहरा है दरिया, ऐसे दिखाया, है ना। और अब अगर कहीं डूबना दिखाना है, जैसे कि एक गजल है पिताजी की ही लिखी हुई है, खामोशी को सुन कर देखो, कंपोजिशन मेरी है, तो उसमें एक शेर आता है, तेरी क्या औकात यहाँ उगता सूरज भी डूबा, तो अब इसमें डूबा है, अब डूबना दिखाना है, डूबा है डूबा है डूबा डूबा, तो आपने डुबा दिया उसको, तो ये काकू प्रयोग है। फिर एक हम चीज समझते हैं, तिरोभाव आविर्भाव, जिसका मतलब होता है राग बदलना, संप्रकृति राग में जाना, एक राग से दूसरी राग में जाना। अब इसके लिए आपको दोनों रागों का चलन, जाहिर बात है, मालूम होना चाहिए। काकू प्रयोग को समझने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, शब्द, शब्दों के भाव मालूम होने चाहिए। तो आप अपने आप, क्योंकि आपको संगीत नहीं भी पता होगा तब भी आपको वो चीज़ दिख जाएगी, कि इमेज तो वही बनेगी ना, अगर आप शब्दों को समझते हैं तो इमेज तो धुन से भी वही बन रही है ना, आपको दिख जाएगी वो। अब आते हैं हम तिरोभाव आविर्भाव पे, जिसमें हम राग बदलते हैं, एक राग से दूसरी राग में जाते हैं। जैसे कि मैं आपको भैरवी और बिलास खानी तोड़ी का एग्जांपल दूंगा। अब जाहिर बात है, समझने के लिए आपको दोनों रागें आनी चाहिए, है ना। सारे गम पदा पग म गे सा ध नि रे सा ग रे ग स रे सा, ये भैरवी चलन है। भवानी दयानी महावाक बानी ये हम चलेगा बिलास खानी में। सरे गा पा धनी दामा गरे गरे नि सारे गा पा धामा गरे गरे सा, और भैरवी धनी रे सा गरे ग सरे मा गरे सा, दोबारा उसमें आ गए। तो तिरोभाव यानी उस राग में जाना, और आविर्भाव यानी उसमें से आना, और ये संप्रकृति रागों में हम किया करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल, तो ये आपको मिल गया। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको हम कहते हैं मूर्छना,
ग्राम मूर्छना, ये सारे क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड है इसीलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को एक ही साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ग्राम मूर्छना क्या होता है? ग्राम यानी हमारा घर, घर यानी हमारा सा, सा बदल देने से हम राग बदल सकते हैं, है ना। और मूर्छना यानी उसी पर्टिकुलर थाट से, उसी पर्टिकुलर थाट के किसी दूसरे स्वर से कोई दूसरा थाट बन जाता है तो वहां से राग चेंज हो जाती है। जैसे कि भैरवी का ही एग्जांपल लूंगा, अगर भैरवी थाट के माध्यम से हम सारे गम पध नि सा बोले, उन्हीं स्वरों को उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को लगाएं तो आसावरी थाट का निर्माण होता है, है ना। तो हम भैरवी से दरबारी में जा सकते हैं, तो इसको मूर्छना प्रयोग कहेंगे। हम मूर्छना के माध्यम से हमने राग बदली है, एक तो राग बदली तिरोभाव आविर्भाव की मदद से, है ना, और एक राग बदली हमने मूर्छना के प्रयोग से। और उसके बाद मैं एक और चीज पे आऊंगा, सारे गामा पदा पा ग म ग रे सा ध नि रे सा सारे मा सारे ग म प द नि प म प सा द नि प म प नि प म प ग म रे सा म ग रे सा ध नि रे सा। ये आप कई जगह देखोगे ऐसा होता हुआ। ये तो मैं बड़ा जल्दी जल्दी आपको करके बता रहा हूँ, बाकी इसको अलग अलग वे में करके दिखाया जाता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी, जैसे भैरवी की कोई भी कंपोजिशन चल रही है और इसमें आपका आपकी इच्छा हुई कि वो एक खूबसूरती आपको देनी है कि आप मध्यम से मध्यम को सामान के यानी मध्यम को ग्राम बना के वहाँ से मूर्छना हो जाएगी, फिर आपका ये पूरा थाट बदल जाएगा, तो वहाँ से आप राग बदल सकते हो। लेकिन ज़्यादा वक्त तक ये नहीं करना है आपको, जल्दी से उसमें आना है क्योंकि आप गा तो बेसिकली भैरवी ही रहे थे, है ना। अब आते हैं हम मुख्य चीज़ पर। ये सारी चीज़ों तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि क्या होता है काकु प्रयोग, क्या होता है तिरोभाव आविर्भाव और कैसे हम मूर्छना के माध्यम से राग बदलते हैं। अब हम आते हैं फिर से कंपोजिशन के अंग पर कि ये सारी चीज़ें भी आप कंपोजिशन में कर सकते हो, है ना। जैसे कि चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये तो मैंने चलो राग में किया, आपको गीत में करके दिखाता हूँ। जैसे कि गुलाम अली साहब का एक, उन्हीं की एक गज़ल लेता हूँ मैं और ये चीज़ करके आपको बताता हूँ मैं। जैसे अहमद फराज साहब, उनकी लिखी हुई एक गज़ल है जिसको उन्होंने कंपोज किया, वो यूं है कुछ, फिर किसी रह गुजार पर शायद मिल सके हम मगर शायद, है ना, ये उनकी गज़ल है। तो अब उन्होंने क्या किया, सारे मा पे सारे सने द प म ग म रे नि सा, अहिर भैरव है, सारे ग म प ध नि ध ध नि सा रे नि रे सा नि द प म ग म रे नि सा। इसके माध्यम से चारू केशी बनती है, सा ग म ध प ग म रे सा, है ना। चारू केशी एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां शुद्ध निषाद है जो कि हमारा पहली काली से अगर हम अहिर भैरव में जाएं तो जो गंधार बनता है वो तीसरी काली के हिसाब से उसका निषाद बनेगा, तो वो शुद्ध निषाद बनेगा, लेकिन अंग उन्होंने तब भी वही रखा और एक जगह उन्होंने चेंज कर दिया, कोमल निषाद लगा दिया, लेकिन इसको हम मूर्छना प्रयोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत। ये उन्होंने राग का चलन बदला है और इन्होंने ये शेर में किया है, जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज। ये सुर आप देख रहे थे अहिर भैरव में नहीं लग रहा था, सारे ग ये लग रहा था, उन्होंने मा ग ये कर दिया, गंधार शुद्ध कोमल कर दिया। तो वो कैसे किया उन्होंने, तीसरी काली की चारू केशी के हिसाब से, जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर शायद। फिर से वो वैरागी में आ गए, सॉरी अहिर में आ गए। तो ये एक चीज़ होती है मूर्छना प्रयोग, हम इसे कह सकते हैं कि वो मध्यम से उन्होंने दूसरी राग मान के अलग बना दिया उसको, ये एक चीज़ होती है। अब हम उस चीज़ पे आते हैं जो है कंपोजिशन का अंग, जिसे जिसका कोई नाम नहीं है मेरे पास, पर एक चीज़ है जिसे हम यूँ कहते हैं कि शब्द अनुसार ही आप काकू प्रयोग ही है एक तरह से, लेकिन काकू प्रयोग आप देखते हैं कई बार हम क्या करते हैं, काकू प्रयोग के ही अंदर एक चीज बताता हूं जिसमें हम राग भी बदल सकते हैं, है ना। शब्द के अनुसार हम एक तो क्या करते हैं, उसी राग में स्वर संगतियां ऐसी लेते हैं और धुन ऐसी बना देते हैं जो उस शब्द के सीन को बता रही हो, शब्द का मंजर, जो शब्द जो जिस चीज को दर्शाना चाह रहे थे, जो सीन बनाना चाह रहे थे, वही आपने स्वरों से बना दिया। कई बार हम उस स्वरों से बनाने के लिए हम राग भी बदल देते हैं क्योंकि शब्द की डिमांड ऐसी होती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको जो वीडियो के शुरुआत में ही जो गजल सुनाई कि बिन बारिश बरसात न होगी,
तो बारिश की बात की गई है तो मैंने ऑटोमेटिकली उसमें बनाया ही मेघ में है उसे, है ना। खान साहब की जो कंपोजिशन है गुलाम अली साहब की, वो मेघ में ही है। क्यों? ऑटोमेटिकली वो एक काकू प्रयोग है, अपने आप में ही एक ऐसा भी काकू प्रयोग कह सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि आप शब्द के चलन को आप बता रहे हो या शब्द के सीन को, उसकी चाल को बता रहे हो, नहीं, पर वो सीन ऑटोमेटिकली बन जाता है क्योंकि बात मेघ की हुई है, बात बारिश की हुई, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ दर्शा गई है, समझ लो, है ना, कि बिन बारिश बरसात ना होगी। ये चीज़ एक तो होता है कि आप टोटली ही उसको उसमें बनाओ, अगर पूरे गीत की, पूरे गजल की थीम ही वही है, है ना, बारिश ही है, तो पूरे को ही आप बारिश की राग में, बारिश के अंग में बनाओ। या फिर कई बार क्या होता है कि थीम तो कुछ और चल रही है लेकिन बीच में एक लफ्ज़ आ गया ऐसा जिसका नेचर अलग है थोड़ा, उसको दर्शाने के लिए कई बार आप वैसा कर देते हो, है ना। जैसा कि मैं एक अगर छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाऊं, है ना, जैसे आओगे जब तुम मेरे साथ जना, आपने सबने गीत सुना है राशिद खान साहब का, वो तिलक कामोद में है, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन। अब यहाँ झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब, पूरा तिलक का मौत का माहौल चल रहा है। अब इसमें हम चाहें, जरूरी नहीं है हर बार करना, लेकिन हम कई बार करते हैं कि अब इसमें बरसेगा सावन बरसेगा सावन बरसेगा सावन बरसेगा सावन दो दिल ऐसे मिलेंगे। ये ब्लेंड है, ये घुल जाना है, जैसे एक रंग दूजे रंग में घुल जाता है, है ना, और एक नया रंग बन जाता है। ये उसी तरह से कुछ है कि एक रंग से आप दूजे रंग में यूं गए और फिर से ऐसे आए कि पता ही ना चला कि कैसे उसमें आप चले गए, है ना। जैसे मैं आपको खान साहब की एक गजल है, ये मौसम गजल गजल बहार बन के आ गया, है ना, ये उस दिन मैं आपको सुना रहा था, ये मौसम गजल गजल बहार बन के आ गया। तो इसमें बहार जो बात करी तो राग बहार का प्रयोग कर दिया उन्होंने इतने से अंग में, पूरी गजल भले ही बहार में ना हो लेकिन वो उतना सा अंग उन्होंने बाहर में बना दिया। तो ये खूबसूरती है उस चीज़ को दर्शाने की, कंपोजिशन करने की। इससे साफ जाहिर होता है कि शब्द और धुन आपस में ही जब तक इंटर रिलेटेड नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसका ही एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ मैं, जगजीत साहब की गजल का, निदा फाजले साहब की लिखी हुई है, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, मियां मल्हार में इसकी रचना है उनकी, फिर पानी दे मौला। तो ये बात होती है जब आप शब्दों को धुनों से इंटर रिलेट करके जब कुछ बनाते हो तो वो कारगर साबित होता है, वो हमेशा याद रहती है चीज़, क्योंकि शब्दों से धुन याद आ जाएगी, धुन से शब्द याद आ जाएंगे आपको, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इन शब्दों की धुन क्या थी क्योंकि आपको पता चलेगा, है ना। जैसे हम अक्सर करते हैं कि सैड सॉन्ग है तो उसकी रचना थोड़ी स्लो करेंगे, सैड सॉन्ग को हम डिपचिक 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 इस लय में नहीं चलाएंगे, है ना, क्योंकि उस लय में कोई सैड नहीं होता है। सैड होता है तो आदमी की गति धीमी हो जाती है, आदमी स्लो हो जाता है, है ना, सोच, क्योंकि बहुत सोचने लगता है ना, बहुत गहरा हो जाता है आदमी जब संगीन होगा तो वो धीमा हो जाता है। खुश है तो एक उत्साह है ना, थोड़ी गति तेजी होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने एक वीडियो और दिया है कि ताल और रस, हमने राग और रस तो समझा ही, ताल और रस भी एक चीज़ होती है कि तालों में भी रस होते हैं कि कौन सी ताल उस अनुसार आप वहाँ लगाओगे, और ताल यानी उस ताल को भी, उस ताल के चलन को भी, उसका ठेका भी, है ना, और उसकी लय भी, वो भी निश्चित है कि आप कैसी लगाओगे वहाँ पे, है ना। आप एक खुशी भरे गीत में एक सैड राग नहीं फिट कर दोगे और ना ही एक धीमी गति की चाल जो है उसमें डाल दोगे, नहीं करोगे आप। ये कंपोजिशन है, और ये क्या मैंने सबसे पहले बोला, तजर्बे से आता है, करते करते आता है, हिट एंड ट्राई से आता है, गुणी जनों के पास रहने से आती है ये चीज़ें, है ना, यूं ही नहीं ये फन आ जाता है। आपको उन गुणी जनों के पास रहना पड़ता है और उनको चीज़ें उनकी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो भाई आज के तारीख में तो चलो सबके पास मुमकिन नहीं है उन गुणी जनों का साथ, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि ये चीज़ें आप गुणी जनों से नोट करो,
गुणीजन आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप गुलाम अली साहब की कोई भी गजल सुन सकते हो, आप जगजीत साहब की कोई भी, मेहदी साहब की कोई भी, हरिहरन साहब की कोई भी, है ना, और पुराने पुराने बर्मन, एस डी बर्मन साहब के, आर डी बर्मन साहब के, पंचम दा के सारे गाने आप सुन सकते हो, किशोर कुमार के, है ना, आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, है ना, आप कल्याण जी आनंद जी के, ये लेजेंड हैं हमारे बॉलीवुड के, या फिर हम कहें कि सुगम इंडस्ट्री के, और भी कई हैं, जैसे आप देखो तो रविंद्र जैन साहब का म्यूज़िक सुनो आप, तो ये लोगों के म्यूज़िक में आप वो चीज़ें ढूंढ पाओगे अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, ढूंढ तो तब पाओगे ना, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं खुद पता करके, क्योंकि मुझे मौका लगा है, मेरा सौभाग्य रहा है गुणीजनों के साथ रहने का, तो ये चीज़ें सीखी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को नोट करो, ढूंढो, समझो, देखो, परखो और बनाओ, ये आप कर सकते हो। तो आज मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब क्या होगा, ये चीज़ें आप पहले देखोगे, समझोगे, फिर ये कहीं ना कहीं अगर एक बार यहाँ बैठ गई ना तो गले में आ जाएंगी, गायकी में आ जाएगी, गायकी में आ गई तो कंपोजिशन में आ जाएंगी, है ना, ये दर्जा है, ये स्टेप्स है। आप सोचो कि यार ये सारी बातें जान के मुझे होगा क्या, ये सारी चीज़ें आपने बता तो दी पर मैं करूँ क्या इनका, इनको प्रयोग कैसे करूँगा, तो हर जगह मैं प्रयोग कराने तो आऊँगा नहीं, हर गाने में बताऊँगा नहीं कि देखो इसको ऐसे बना लो, है ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, हमारे जहन में एक बार जो चीज़ बैठ जाती है, हमारे दिमाग में जो बैठ जाती है, वो हमारी सोच बन जाती है, और जब सोच वैसी बन जाएगी तो कंपोजिशन ऑटोमेटिकली वैसी होगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी वो जॉन साहब की गजल बनाई, जॉन एलिया साहब की, है ना, उसमें मैंने सोचा थोड़ी कि मुझे वैसा अंग देना है, पर वो क्योंकि सोच वैसी है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ निकल गई। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, तो ये जो क्या का टच है वो ऑटोमेटिकली सवाल जो है वो दिख गया उसमें। उम्र बीतेगी इम्तिहान में क्या, है ना, और एक जैसा एक बहुत पहले की एक गजल मैंने बनाई थी जो पापा की लिखी हुई है, जो कहना चाहते हो बोल दो ना, ये उसका मतला है कि जो कहना चाहते हो बोल दो ना, छुपाते क्यों हो सब कुछ खोल दो ना, है ना, ये उसका मतला है। तो इसमें वो बोल दो ना में जो रिक्वेस्ट है वो आपको इसमें धुन में नजर आएगी, जो कहना चाहते हो बोल दो ना, है ना, बोल दो ना, ऐसे भी कर सकते थे उसको, पर वो जो धुन है, वो रिक्वेस्ट जो है, बोल दो ना, बोल दो ना, छुपाते, है ना, आगे कुछ भी हो सकता है, और वो शब्दों के अनुसार वो धुन बन सकती है। तो शब्दों के अनुसार धुन बनाने के कई तरीके हैं जो आज मैंने आपको बता दिए, काकू प्रयोग कर सकते हो, तिरुभाव आविर्भाव कर सकते हो, शब्द अनुसार आप मूर्छना प्रयोग कर सकते हो, आप शब्द अनुसार राग बदल सकते हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को मद्देनजर रखोगे तो धुन बनाना आसान होगा और वो अच्छी बनेगी, आपको फिर उसको सुन के लगेगा कि हाँ कुछ है शब्द से, कुछ तो भी तारतम्य है, वरना क्या तो शब्द होते हैं ना क्या तो धुन होती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई रिलेशन भी है इनका, है ना, बस यही चीज़ बतानी।